कहानी शुरू होती है हर्षद में आई मीन हेमंत शाह से। किसी को क्या ही पता चलेगा ये वी डोंट एक्चुअली से दैट नेम इन हियर, जो ऑब्वियसली चमड़ी भी है बिकॉज बॉलीवुड करना पड़ता है। पर इसे कमाने बहुत सारे पैसे, ऐसे कैसे? ओ, क्योंकि मोटा भाई ने लिया है उधार 2 लाख, और नहीं चुकाया उधार तो एरिया के गुंडे लोग आके देंगे 2 लाख 1.5 लाख रम इंटरेस्ट के साथ 2 लाख। तो सडनली मिलती है अंदर की खबर। जी हाँ, और हेमंत शाह मोटा भाई के साथ मिलके सेंसेक्स में कर देता है सारे पैसे इन्वेस्ट। I'm rich. ये वन टाइम थिंग होनी चाहिए थी, पर इसके तो अब हर्षद में हेमंत शाह को चाहिए 10 लाख रुपए शेयर ब्रोकर के सब्सक्रिप्शन के लिए। गंगा मैया, इतना सारा पैसा, तो उसके लिए करनी है इन्वेस्टमेंट। पैसा कहाँ है? कबूम, मिल गई इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी, लेकिन कंपनी के वर्कर्स है हड़ताल पे। पर कितने दिन के लिए? तो ये महेश बाबू से न्यूज लेकर करता है सेंसेक्स के स्टॉक्स के प्राइस को मैनिपुलेट। पैसा ही पैसा होगा। फाइनली मिल गई इसको सब्सक्रिप्शन, तभी हड़ताल के लीडर की मौत। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। मोटा भाई क्यों देते हो फॉल्स हो? अब पैसे कैसे कमाएंगे? कैसे कमाएंगे पैसे? कैसे पैसे? किसी पैसे वाले पेशेंट को एक किडनी बेच दूंगा, बहुत पैसे आ जाएंगे। That's a great idea. तो अब क्या करें? हाँ, कुछ अल्टरनेट ऑप्शन देखते हैं ना मोटा भाई। जहाँ इसका काम है 40 लाख की बैंक रिसिप्ट को SBI में देना एज अ ब्रोकर, क्योंकि बैंक BR के थ्रू ही इन्वेस्ट करते हैं दूसरे बैंक्स में, और ये सारी इन्वेस्टमेंट का पैसा ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और ये पैसा ब्रोकर के पास 2 हफ्ते तक रहता है। तो ये 2 हफ्ते के टाइम स्पैन को यूज करके किसी सीमेंट की कंपनी में इन्वेस्ट करके उसके स्टॉक्स को बढ़ा देता है, और उस कंपनी के मालिक को उसी की कंपनी के 10% शेयर मार्केट में डालने के लिए भी बोल के, ताकि स्टॉक्स के प्राइस और बढ़ जाए। I'm confused right now, G. ये सब इसने क्यों किया? क्योंकि इसे पैसे कमाने थे? क्योंकि प्रेमिका की तय थई गई हो शादी, गेम पार्टी। What the actual fuck? ओ, तो उसके होने वाले पति को देंगे कार्टन भर के रोकड़ा। I'm rich. तो ब्राइब करके शादी तुड़वा के उसको ब्राइड बना के खुद उससे शादी करके ये हो जाता है खुश। अब इसने इतने पैसे कमाए कि चलो दिल्ली, जैसे राजीव और योगेश चले गए। ए तुम! क्या है कि वहाँ पर है बहुत पावरफुल लोग। हाँ तो सही तो बोला मैंने, पर लोग को तब भी था दिल्ली से इशू, तो बीवी को भी साथ में चलना है, क्योंकि बॉलीवुड है तो चमड़ी मैटर दिखाना ही पड़ेगा ना। जहाँ होटल में जाके दोनों घर घर खेल रहे हैं, क्योंकि अपने ओरिजिनल घर में पूरा खानदान पहले से ही रहता है, जीरो प्राइवेसी। जानती हूँ। बट वहाँ इसको ये टेलीकॉम वाला बोलता है, बैंड चोद मेरे भी स्टॉक बढ़ा दे यार। तो ये इससे रिटर्न में पॉलिटिकल कनेक्शन मांगता है, क्योंकि पॉलिटिकल कनेक्शन होना जरूरी है बॉस। अरे देश वही तो चलाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बस फिर दिन रात दावत, बेसुमार पैसा और लौंडा नाच। एंड कुछ लोग की इतनी जल के लाल कि इसके घर CBI रेड करवा देते हैं। बट ये इंडिया है बॉस, पुलिस वाला आजकल 200 के नोट में मान जाता है, तो CBI वाले थोड़े एक्स्ट्रा जीरो से क्यों ही नहीं मानेंगे। और अपना हर्षद में हेमंत शाह को इंटरव्यू में इलियाना लैंड क्रूज बोलती है, ए आप चोर हो क्या? स्कैम करते हो क्या आप? नहीं। एंड ऑडियंस इज लाइक, नहीं 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 नहीं। बंद करो उसे, अबे साला सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को, बंद करो ये। बट ये CBI किसने भेजी? अच्छा कॉम्पिटिटर ने, जो कि लिटरली वहाँ इसलिए है क्योंकि रियल लाइफ से थोड़ा बहुत तो डालना पड़ेगा ना। जरूरी है क्या? नहीं। बट इसके बैंक के BR के लूप होल्स वाला स्कैम हो जाता है लीक, तो इसको 500 करोड़ देने हैं बैंक को, इससे पहले कि इसकी स्नैपचैट की स्ट्रीक खत्म हो जाए। कुछ भी। तो इलियाना को इंटरव्यू में इसने बोला था कि ये स्कैम नहीं करता, तो इलियाना चूज टू क्रूज को पता करना है कि ये स्कैम कैसे करता है, करता कैसे है ये स्कैम। इसे कोई स्कैम 1992 दिखाओ यार। तो ये पता लगा लेती है स्कैम के बारे में, तो अब होगा हंगामा। पर अब हेमंत हर्षद में हेमंत शाह, हाँ लोगों को क्या ही पता चलेगा सब कुछ। तो इसे पता लगाना है कि कौन है साला रबड़ी खबरी, अपने ही लोग। नहीं, I hate it here. I wanna go. ए न्यूज वाली तू ही बता दे। तो अब रेड पे रेड, और 100 दिन के ऊपर कीजिए। मारे डालोगे क्या भेंचो? क्या है कि स्कैम किया है ना इतना बड़ा, तो वेल बेल मिलने के बाद ये इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल लॉयर मिस्टर राम जेठलानी के यंग फिल्मी वर्जन के पास जाता है, जिसको ये रिवील करता है कि काले कोट वाले भाई मेरे पास हुकुम का एक कच है। Wait, what?
क्योंकि मैंने पीएम को भी पैसे खिलाए थे। तो पीएम ने भी पैसे खाए? बिल्कुल सब। तो ये लोग करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा कि पीएम ने पैसा खाया, ये देखो सबूत। ऐसे ही स्काईपैक्स के सूटकेस में भर भर के पैसा दिया था हेमंत शाह ने। हाँ। अब हर जगह हंगामा ही हंगामा, पर सीधा पीएम से पंगा लिया है तो स्टॉक मार्केट भी होगी क्रैश और अब सब बर्बाद। तभी से पता चलता है इलियाना चूज टू क्रूज को पल पल की खबर देने वाला कोई और नहीं, वो इंसान है मेरा मोटा भाई। What the fuck? क्या है कि बहुत तेज भाग रहा था मेरा छोटा भाई इलियाना दीदी, इसको सिर्फ फाफड़ा ने जलेबी पैसा और पावर ही दिखता है और अब ये रुकने वाला नहीं है। सांप को पाल रहा था। तो अपना हर्षद हेमंत शाह इलियाना चूज टू क्रूज को बुला के बोलता है, मोटी बेन मेरी बुक लिखना ताकि एक वेब सीरीज बन सके जिसमें अच्छा अच्छा म्यूजिक हो, गजब की स्टोरी लाइन हो, रिस्क है तो रिस्क है, और एकदम धासु एक्टर हो जस्ट लाइक मी। मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में, एक दिन में इतना तो मार्केट ने सिखाई दिया। बाकी अब ये पिक्चर बना ही दी है तो खत्म करते हैं इसे। तो इसके एलिगेशंस प्रूफ नहीं हुए तो इसको हो जाती है जेल। केम पुलिस और पुलिस ने इसको दौड़ा दौड़ा के इसके फाफड़ा से सारा दम निकाल के इसे मार दिया। काफी सैड, स्कैम 1992 में आंसू निकले थे, यहाँ 2.5 घंटे में गर्मी से पसीना तक नहीं निकला है। भैंचोत, बर्बाद, सब बर्बाद। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? वॉच स्कैम 1992, क्योंकि सक्सेस क्या है, फेलियर के बाद का चैप्टर। फेलियर हमने देख लिया तो चलो अब सक्सेस देखते हैं। तो भैंसे हैं आप सब लोग, एक गाना है जो ढंग से बनाना है, हिप हॉप क्या होता है ये खुद को सिखाना है, एक गाना है जो ढंग से बनाना है, रोस्टिंग नहीं गाली देके चिल्लाना है, एक गाना है जो ढंग से बनाना है, हिप हॉप क्या होता है ये खुद को सिखाना है, एक गाना है जो ढंग से बनाना है, रोस्टिंग नहीं गाली देके चिल्लाना है, एक गाना है जो ढंग से बनाना है, हिप हॉप क्या होता है ये खुद को सिखाना है, एक गाना है जो ढंग से बनाना है, रोस्टिंग नहीं गाली देके चिल्लाना है, एक गाना है जो ढंग से बनाना है, रोस्टिंग नहीं गाली देके चिल्लाना है, एक गाना है जो ढंग से बनाना है, हिप हॉप क्या होता है ये खुद को सिखाना है, एक गाना है जो ढंग से बनाना है, रोस्टिंग नहीं गाली देके चिल्लाना है, एक गाना है जो ढंग से बनाना है, हिप हॉप क्या होता है ये खुद को सिखाना है, एक गाना है जो ढंग से बनाना है, रोस्टिंग नहीं गाली देके चिल्लाना है।